दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने अपने करियर और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। मल्लिका ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में दावा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं जो सुपरस्टार या प्रोड्यूसर के साथ बिना समझौता किए आगे बढ़ी हो। ऐसा उन्होंने आउटसाइडर एक्ट्रेस के लिए कहा है। मल्लिका शेरावत का कहना है कि इंडस्ट्री में जो स्टार किड हैं या जिनके बाप बड़े प्रोड्यूसर हैं, उन स्टार किड्स को कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन आउटसाइड से अगर कोई हीरोइन आती है उसे बड़े सुपरस्टार के साथ समझौता करना ही पड़ता है, तब जाकर वह सुपरस्टार उसके साथ फिल्में करता है। अपने करियर से भी जुड़ी एक बात मल्लिका शेरावत ने शेयर की। उन्होंने बताया कि वह अपने करियर में सबसे बड़ी फिल्म कर रही थी दुबई में। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी रात को दुबई में जिस होटल में वो ठहरी थी तभी एक सुपरस्टार उनके रूम के पास आकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उस पर दबाव था उस सुपरस्टार के साथ समझौता करने का, लेकिन मल्लिका ने उस दिन गेट खोला ही नहीं। मल्लिका ने कहा कि मैं इन चीजों को अटेंड ही नहीं करती हूँ, ना ही मैं इन चीजों को एक्सटेंड करती हूँ, इसलिए मैंने उस दिन दरवाजा नहीं खोला। अगर दरवाजा खुलता तो शायद मल्लिका को भी समझौता करना पड़ता। मल्लिका शेरावत का कहना है कि मैं मर्डर फिल्म करूं तो मुझे शरीर दिखाने वाली एक्ट्रेस टैग दिया जाता है, लेकिन अगर वही चीज दीपिका पादुकोण गहराइयां में लेकर आती है, सेम चीजें करती है, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह एक सुपरस्टार के गैंग का हिस्सा है। और इस तरह से मल्लिका शेरावत ने सभी बातों का खुलासा किया। बता दें कि मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन जहां तक बात है मल्लिका शेरावत के लोगों के मुताबिक उनके करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म थी वेलकम, जिसकी ज्यादातर शूटिंग दुबई में ही हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि जिस सुपरस्टार के बारे में मल्लिका बात कर रही हैं, क्या वो वेलकम से रिलेटेड है? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।